छुटकारा मिलेगा इनसे। नाटक है बहू, मेरा चश्मा देखा है कहीं? माँ जी कितनी बार बोला, आप अपना चश्मा तकिए के नीचे क्यों संभाल के नहीं रखती, हमेशा इधर उधर रख देती हैं। सुमित, माँ जी का चश्मा फिर से गुम हो गया है, ढूंढ के दो, नहीं तो सारा सामान इधर का उधर करके रख देंगी। यही तो रखा था। क्या है माँ, क्या हुआ, क्यों अपना सामान रोज इधर उधर रखकर सबको परेशान करती रहती हो, क्या ढूंढ रही हो? बेटा चश्मा नहीं मिल रहा, वही ढूंढ रही हूँ। माँ सामने रखा है चश्मा, तुम ना सचमुच अंधी हो गई हो। थैंक यू। राहुल बैग पैक किया, टिफिन रखा, पेंसिल कटर सब रख लिया ना, कुछ भूले तो नहीं? अच्छा बेटा अभी तक नाश्ता नहीं किया, स्कूल बस आ जाएगी, जल्दी करो चलो। मम्मी आप कितनी बड़बड़ करती हो, कभी आपसे मुझे छुटकारा मिलेगा? नेहा मेरा चश्मा देखा क्या? राहुल बेटा मेरा चश्मा देखा? पापा आप सचमुच अंधे हो गए, ये रहा आपका चश्मा। ये क्या तरीका बड़ों से बात करने का, यही सीखते स्कूल में जाके? पापा मैं स्कूल में नहीं सीखा, आपसे सीखा हूँ। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो, अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनको उफ तक न कहना और न उन्हें झिड़कना और उनसे बात अदब के साथ करना और इज्जत नियाज से उनके आगे झुके रहो और उनके हक में दुआ करो कि ऐ परवरदिगार जैसा उन्होंने मुझे बचपन में शफकत से परवरिश किया है तू भी उनके हाल पर रहमत फरमा।